जय हिंद दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप इनटेक 02/2020 की। अभी जो मेडिकल चल रहे हैं, ये जो मेडिकल रिव्यू मेरे को मिला है ये गाजियाबाद का मिला है और 14 जनवरी का ये रिव्यू है। आपको गाइज जो भी प्रोसेस वहाँ पे हुआ, जो भी है कैंडिडेट्स ने हमारे साथ शेयर किया है, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ ताकि आगे आने वाले सभी कैंडिडेट्स का हेल्प हो सके। तो चलिए गाइज, बिना समय गवाए अपने अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर ले और साइड में दिख रहे घंटे के निशान को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड के और सभी डिफेंस से संबंधित जो भी कोई आपको एग्जामिनेशन हो तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और गाइज, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये फिर बता देता हूँ कि आपको ये जो रिव्यू मिल रहा है गाजियाबाद 11 AFH, ठीक है, उसी का रिव्यू मिला है और 14 जनवरी का ये रिव्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करें कितने बच्चों को क्या सीन रहा है वहाँ पे, तो सबसे पहले ग्रीन कार्ड मिला है 30 बच्चों को, ठीक है, 30 बच्चों को ग्रीन कार्ड मिला है और 14 बच्चों को रेड कार्ड मिला है। तो यहाँ पे टोटल हो गए 44 और एक अब्सेंट था, तो एक कैंडिडेट्स वहाँ पे अब्सेंट था और 30 को ग्रीन कार्ड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ का गाइज, और एक को DNS का। अब बात करते हैं पॉइंट किन किन के मिले हैं। तो गाइज, एक बच्चे को DNS का पॉइंट मिला है, एक स्टूडेंट्स को, ठीक है, और एक को ईयर का मिला है। अब ईयर के अंदर मैंने बोला था ईयर वैक्स सबको क्लियर करवा के जाना है, कम से कम 10 दिन पहले आपका 10 दिन एग्जामिनेशन जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उससे पहले पहले करवा लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब कान जो ईयर वैक्स अंदर वैक्स से हटाया जाता है तो कहीं से सूजन आ जाता है, जो उस मतलब डॉक्टर जब स्पाई करता है कान की, तो उसमें कोई मतलब अपनी हड्डी होती है, छोटी छोटी हड्डी होती है कान के अंदर, जो आपको सोच नहीं सकते आप उतनी मतलब सूक्ष्म आकार की होती है, वो कहीं से मतलब दब जाती है या उसका मतलब बीच में आ जाती है, तो वो क्या उसमें सूजन आ जाता है, उसकी वजह से भी मतलब अलग तरीके के पॉइंट मिल जाते हैं। तो कम से कम 15-20 दिन है पहले पहले इसका करवा लेना चाहिए ताकि किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और फिर है दांत, है इजी से चेक कर रहे थे दांत को, है वो बिल्कुल एकदम इजी से चेक, इजी से मतलब चेक कर रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और आई टेस्ट भी बिल्कुल इजी था, ठीक है। आई टेस्ट की बात करूँ तो आई टेस्ट भी बिल्कुल इजी था और इसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया था वहाँ पर, ठीक है। फिर एक लड़के का 6x9 का ग्लास था। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं काफ़ी कैंडिडेट्स प्रॉब्लम्स में रहते हैं कि जो चश्मा अलाउ है या नहीं, चश्मा बिल्कुल अलाउ है, लेकिन वो डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है वहाँ पर कितने क्या रखते हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन का होता है कितने मतलब आपका डायोप्टर में चलता है या फिर आपका कितना विजन क्लियर कर ले लेते हैं, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। और उसकी आईज है वो 6x6 कर दी गई वहाँ पे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है, 6x6 कर दी थी वहाँ पे उनकी आईज, और वो सिर्फ पढ़वा के देखते हैं, ठीक है गाइज। तो कई कई जगह तो ये बॉक्स होता है जैसे तीन टाइप का, उसमें अलग अलग बने होते हैं, जो अनपढ़ है, पढ़े हुए हैं उनके लिए ABCD और क्या कह गए मतलब हिंदी के अक्षर होते हैं, तो वो आपको पढ़ाते हैं, ऊपर वाले बड़े होते हैं, फिर छोटे छोटे लास्ट में एकदम छोटे, ठीक है, तो उस तरीके से पढ़ाते हैं। और कई जगह मशीन से भी चेक होता है, तो अलग अलग ASC का मैंने आपको पहले ही बताया था, हर एक ASC का मेडिकल जो रहता है वो मतलब मेडिकल सेंटर हो या ASC पर मेडिकल हो रहा हो, तो कहीं पर भी हो रहा है, तो हर तरीके का अलग अलग प्रोसेस है वो रहता है। तो फिर आगे बात करते हैं आगे गाइज, फिर ENT बहुत इजी था, मतलब आपका जो ENT है वो भी बिल्कुल इजी था, मैं चेक हुआ था, ENT मतलब सरल एकदम। फिर उसके बाद में आती है आपके प्राइवेट पार्ट्स की, तो प्राइवेट पार्ट है वो भी आपके नॉर्मल चेक किए गए, वहाँ पे कोई भी दिक्कत ऐसा नहीं आया, ठीक आता है। फिर बात आती है हैंड बैंड भी एंड नोकनी में भी किसी को मतलब कोई दिक्कत नहीं आया था, ठीक है गाइज, वो भी एकदम अच्छे तरीके से आराम से है चेक किया गया, तो इस बात का आपको ध्यान देखना है। यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से रिव्यू है, यहाँ पर गाजियाबाद में बिल्कुल ईजी हुआ है 14 जनवरी को, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स अपना रिव्यू शेयर करना चाहें तो 8239170356 इसी व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, इसी नंबर पर टेलीग्राम से शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। फिर गाइज यहाँ पे बात करें तो कुल मिला के आपका जो मेडिकल है वो बिल्कुल इजी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ECG में 7 से 8 लड़कों को पॉइंट मिला है, तो अब 14 लड़के को तो रेड कार्ड मिला ही है, 14 कैंडिडेट्स को, तो यहाँ पे 7 से 8 ECG। मैंने आपको बोला था ECG में आपको बच के रहना है, आपको घबराना नहीं है, ज़्यादा घबराओगे तो BP और ECG आपके ज़्यादा बनेंगे। BP में एक को पॉइंट मिला है, एक बच्चे को शायद बताया इन्होंने, कन्फर्म नहीं है, लेकिन ECG में इनको मिला है 7 से 8 कैंडिडेट्स को। और यहाँ पर बात करें BP जिनका नॉर्मल नहीं आया, लास्ट में उनको ग्रीन कार्ड मिला था,
जिन कैंडिडेट्स की बीपी नॉर्मल नहीं आई फिर भी उन कैंडिडेट्स को मतलब थोड़ा बहुत कोई अंतर था, मैसे पॉइंट का माने तो थोड़ा बहुत 1 पॉइंट या समथिंग थोड़ा बहुत, तो उसको क्या है कि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। ठीक है, एक को शुगर का भी पॉइंट मिला है गाइज। अब देखो चीनी खाने वाले हैं या चीनी खाने की जरूरत नहीं है भाई गाई, सभी बात को सभी को मैं बता देता हूँ। जैसे ये एक अलग तरीके का पॉइंट होता है, ये भी मतलब हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मीठा खाएगा तभी शुगर होगा, कई बार इसकी अलग मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से भी मिल जाता है। ठीक है, एक को लेग के थंब में पॉइंट मिला है, मतलब अंगूठे वगैरह में या तो कोई टेढ़ा वगैरह या कोई चोट वगैरह आई होगी ऐसी, मतलब हड्डी वगैरह कोई टूटी हो सकती है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी इसको 1 पॉइंट यहाँ पे मिला है। तो गाइज ये रिव्यू था आपका 14 जनवरी गाजियाबाद और 11 AFH। तो गाइज जो भी आपका सीन रहा यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, दिल से धन्यवाद भाई का जिन्होंने अपना रिव्यू कीमती समय देकर मुझे शेयर किया। तो गाइज आप अपना भी रिव्यू शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको अभी दिखने वाला है उसके ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, सारे के सारे सोशल मीडिया के जितने भी लिंक है जिससे करना चाहें शेयर तो वो सभी के सभी डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले बता देता हूँ। और गाइज जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेड कलर वाले बटन को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन तो लाइक कर दीजिएगा और गाइज मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत।